तो टीनोफोरा, अब ये जो टीनोफोर्स हैं ये पहले सिलेंट्रेटा में ही कंबाइनली पढ़े जाते थे, कंबाइनली स्टडी किए जाते हैं। फिर सिलेंट्रेटा ने इनको धक्के मार के अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो सिलेंट्रेटा से अलग थे, निडेलिया से अलग थे। क्या है अब वो देखेंगे हम। टीनोफोर, टीनोफोर जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इस ग्रीक वर्ड में क्या है, जो टीन वर्ड है इसका मतलब होता है कॉम, और फेरिन का मतलब होता है बेरल। मतलब इनके पास क्या है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, इनके पास कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर में, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इनके इनर बॉडी पार्ट में, और इसीलिए इनको बोलते हैं कॉम बियरर्स। कितने प्यारे प्यारे से दिख रहे हैं, है ना। इनको बोलते हैं हम कॉम जेलीज। ये जितने भी टीनोफोर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्ब जेलीज, ठीक। अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। चलो अब देखते हैं टीनोफोर्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पहले जो थे सिलेंट्रेटा में ही रखे जाते थे, तो क्यों? क्योंकि हो सकता है काफी तो सिमिलर रहा होगा, तभी तो इनको एक ही साथ रखा जा रहा था, बाद में इनको अलग किया गया। तो ये कॉम जेलीज जब सिलेंट्रेटा में रखे जा रहे थे तो इनके बॉडी प्लान काफी सिमिलर थे निडेरिया से। जब निडेरिया से इतने सिमिलर थे तो ही उनको एक साथ रखा जा रहा था। अब क्या क्या सिमिलरिटी है ये देखते हैं। तो यहाँ भी दो सेल लेयर है, और किससे सेपरेट है, मीसोग्लिया से सेपरेट है। किसके लेयर से सेपरेट है, मेसोग्लिया, जिलेटिनियस मेसोग्लिया की लेयर से ये दो लेयर सेपरेट हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म की लेयर मेसोग्लिया से सेपरेट है। मतलब क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक, अब इनमें पाया जाता है रेडियल सिमेट्री। मतलब अभी तक बाइलेटरल सिमेट्री इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, वही चल रही है, रेडियल सिमेट्री चल रही है। लाइक सिलेंट्रेटा या निडेरिया जो भी हम बोल रहे, उनकी ही तरह इनके पास क्या है, टेंटिकल्स हैं। अब ये टेंटिकल सब में नहीं है, हो सकता है किसी में हो और किसी में नहीं हो। तो ठीक, बहुत सारे जेलीज ऐसी होती हैं, बहुत सारी फॉर्म जेलीज ऐसी होती हैं जिनमें टेंटिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन टेंटिकल्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं और एज अ फीडिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एक पोलर न्यूरॉन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे निडेरियंस में था। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे निडेरियंस में होता है। ये भी हर्माफ्रोडाइट है, है ना, ये भी हर्माफ्रोडाइट है, यानी जो एग है, सॉरी जो स्पर्म है और ओवा है दोनों ही उसमें बन रहा है। कहाँ बन रहा है, एक ही बॉडी में बन रहा है। और ऑब्वियसली मैंने क्या कहा था कि जो भी इवोल्यूशन हुआ है हमारा वो एक्वेटिक हुआ है, और उस टाइम पे उस बहुत सालों पहले, ठीक है, मिलियन बिलियन ईयर पहले जो वाटर का एनवायरनमेंट था वो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे हर्बीवोरस चीजें मिल जाए। तो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे वो क्या, कार्निवोर्स मिलेंगे। इसके बाद टीनोफोर्स के पास जो अलग चीज थी वो क्या थी, वहां पे जब हम सिलेंट्रेटा में बात कर रहे थे तो माउथ और एनल पोर दोनों एक ही था, मतलब एक ब्लाइंड सैक थी। हाइड्रा में क्या थी, बीच में एक ब्लाइंड सैक थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लाइंड सैक नहीं है, यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट मतलब कंप्लीट गट प्रेजेंट है, मतलब फूड एंटर करेगा माउथ से और फिर उसके बाद वेल्स जो है वो एनल पोर से बाहर हो जाएंगे, ठीक। और इनमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, ये है प्लूरोब्रैकिया, इसके अलावा बैरो। बैरो को हम बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ कैट, अगर इसका कॉमन नेम देखें तो इसको हम बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ कैट। और क्यों, क्योंकि ये बिल्ली के आंखों से रिजेंबल करता है। जैसे क्या होता है, रात में हम कभी कभी बिल्लियों को देखते हैं ना, उनकी आंखें ऐसे चमकती हैं, अजीब सी लाल लाल सी, हरी हरी सी कभी कभी, तो वैसे ही
क्योंकि ये थोड़े लॉन्ग से हैं और वैसा ही अपीयरेंस देते हैं, तो इनको बोला गया है स्विमिंग आई ऑफ कैट। और इसके अलावा है टीनोप्लाना। ठीक, तो ये तीन एग्जाम्पल हैं इसके। किसने बोला? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लांट। अभी मैंने बोला कि ब्लाइंड सेक नहीं है, यहाँ पे क्या है, माउथ भी है और एनल पोर भी है। तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लांट वहां था हाइड्रा में, यहाँ पे कंप्लीट गट है। अब क्या इनमें एक अलग प्रॉपर्टी होती है? क्या होती है वो प्रॉपर्टी? होती है बायोलिमिनेसेंस की, मतलब ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। और लाइट एमिट करने के लिए इनमें दो स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं, पहला होता है ल्यूसिफेरिन, दूसरा होता है ल्यूसिफरेज। तो ये चीजें जो होती हैं कॉन्ग जेलीज और कुछ जेली फिशेज में पाई जाती हैं। ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी कॉन्ग जेलीज और जेली फिशेज में पाई जाती हैं। अब ये यहाँ जो ल्यूसिफेरिन होता है उसको हम बोलते हैं सोलेंट्राजीन। क्या बोलते हैं? इनका नाम है, आपको ये ऐसा नहीं है याद रखने की जरूरत है, पर मैं बता रही हूँ कि यहाँ जो ल्यूसिफेरिन है उसको हम बोलते हैं सोलेंट्राजीन। और ये भी एक्टिवेट वैसे ही होता है जैसे बाकी सारे ल्यूसिफेरेज एक्टिवेट होते हैं। कैसे? एटीपी की हेल्प से, या फिर कोई एंजाइम कोफैक्टर, आइदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जब मिलते हैं इनको, तो ये ल्यूसिफेरेज एक्टिवेट होते हैं और फिर क्या करते हैं, ल्यूसिफेरिन से बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोडक्शन करते हैं। दोनों है तो ड्यूटरोस्टोम नहीं बोलेंगे। देखो ड्यूटरोस्टोम क्या है कि जब आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर आ जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर आ जाता है वहां पे, सॉरी, जब आपका ब्लास्टोपोर से माउथ और एनस का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, वो बहुत बाद की बात है। अभी ये ड्यूटरोस्टोम नहीं बोले जाएंगे। ठीक, अभी प्रोटोस्टोम तक नहीं शुरू हुआ है, प्रोटोस्टोम तक नहीं शुरू हुआ है। ये प्रोटोस्टोम ड्यूटरोस्टोम वाली बात तब शुरू होती है जब बाइलेटरल सिमेट्री इन्वॉल्व होती है। बाइलेटरल से पहले ना तो कुछ प्रोटोस्टोम है ना कोई ड्यूटरोस्टोम है, बराबर। मेरे पास डॉग है, उसकी आईज भी ऐसे ही रात में चमकती है। ठीक है, फिर आप नाम बदल देना इसका और लिख देना स्विमिंग आई ऑफ डॉग्स। ठीक, तो मैंने क्या बताया, इनके बायोल्यूमिनेसेंस ल्यूसिफेरिन की वजह से होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सोलेंट्राजीन। और ये एक्टिवेट होता है ल्यूसिफेरेज एंजाइम की हेल्प से। और ल्यूसिफेरेज को एक्टिवेट कौन करता है? कैल्शियम या मैग्नीशियम के कोफैक्टर्स, या और इनके साथ एटीपी इन्वॉल्व होता है, बराबर बात। ठीक, तो ये बायोल्यूमिनेसेंस हमने समझ लिया कि इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की, ऐसा कुछ चमकता है एकदम सुंदर सुंदर सा, तड़तड़ाता भड़बड़ाता हुआ। ठीक, और जब सोचो अगर ऐसे चमकते हुए सितारे, बहुत सारे सितारे एक पास आ जाएं तो क्या होगा? कुछ ऐसा होता है जब एक मैराइन एनवायरनमेंट में या जो एक सी के सरफेस पे ऐसे बहुत सारे कॉम जेलीज या जेली फिशेस आ जाएं, तो कुछ ऐसा अपीयरेंस होता है, मतलब ये क्या स्टारी नाइट टाइप्स का। बायोल्यूमिनेसेंस सबसे पहले देखा जाएगा सिलेंट्रेट्स में, जो जेली फिशेज है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रोटिस्टा में भी बहुत बार होता है कि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस होती है।
तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि बायोल्यूमिनेसेंस एक्सक्लूसिवली इनमें ही हो रही है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल किंगडम में जिनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस होती है। पहले एक तो हमारा जो कॉमन जुगनू है वो तो है ही है, तो बायोल्यूमिनेसेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक प्रॉपर्टी बताई जा रही है, जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस वही होगा जो मैंने कल आपको पहले लेक्चर में बताया था। वॉइस सही से नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है वॉइस? हाँ, बैक्टीरिया में भी होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया में भी होते हैं। क्या यार, क्या क्या देखते हो, डॉग के हाथ पैर में भी चिपक गया है। तो अभी चीजें इतनी क्लियर हैं कि सिमेट्री कौन सी है। सिमेट्री अभी तक रेडियल है। सीलोम क्या है? नहीं प्रेजेंट है, एसीलोमेट है। लेकिन क्या आ गया है, तीन लेयर आ गए हैं। कौन कौन से लेयर आ गए हैं? तीन लेयर वहां पे भी था सिलेंट्रेट्स में, यहाँ पे भी तीन लेयर है, सॉरी दो लेयर है। सिलेंट्रेट्स में भी दो लेयर थे, यहाँ भी दो लेयर है। जो बीच का लेयर मेसोग्लिया होता है वो मेसोडर्म से डेराइव्ड होता है, पर मेसोडर्म नहीं होता है, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ दो लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना? अब इनका बॉडी देखते हैं, बॉडी की एनाटॉमी देखते हैं कि यहाँ पे मेन चीजें क्या हैं। तो मैंने कहा कि इनकी बॉडी में कॉम्ब होते हैं, है ना, कॉम्ब होते हैं। तो ऐसे इस तरह से आठ कॉम्ब होते हैं, चार अभी सामने सामने दिख रहे हैं, पीछे की तरफ पलटेंगे, स्पेरिकल है तो पीछे की तरफ भी चार होंगे। इसके अलावा क्या होता है, ये जो है ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टोमैक है जिसको भी बोलेंगे। यहाँ पे ये जो है इनका एनल पोर है और इसको हम बोल सकते हैं एनल कैनाल। ये है इनका माउथ, ठीक, ये इनका माउथ हो गया, माउथ से गया और ये फेरिंक्स होता है और इस कैनाल को फेरिंजियल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। अब ये फेरिंक्स क्या करता है, ये पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये ब्राउन ब्राउन जो दिख रहा है ना, ये फेरिंक्स है, इसके बीच में फेरिंग्स है, स्पेस में फेरिंग्स है। इसका काम क्या होता है, ये चर्निंग में हेल्प करता है, जो भी फूड पार्टिकल ये लोग लेते हैं उनको चर्निंग में हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पे एनल पोर जो होता है, एनल पोर के साइड में एक सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन क्या, सेंसरी सेल बोला जा सकता है, वो होता है स्टैटोसिस। क्या होता है स्टैटोसिस, तो यहाँ पे हमको याद रखने जैसा क्या है, स्टैटोसिस ये क्या करता है, इनको बैलेंस करने का काम करता है या इनके सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है ये, बराबर। फिर इसके बाद इनके पास टेंटिकल्स होते हैं जिनमें सीलिया जो है लगी होती है, बहुत सारी सीलिया लगी होती है और ये जो मूवमेंट करते हैं वो इसी सीलिया की वजह से होता है। इसके अलावा इनमें बहुत सारे कैनाल्स होते हैं, जैसे ट्रांसवर्स कैनाल हो गया, ठीक, मेरिडोनियल कैनाल हो गया, फेरिंजियल कैनाल हो गया। तो इन कैनाल्स का काम होता है डाइजेशन का, सर्कुलेशन का, और गोनाड्स को भी ये कैनाल्स कैरी करते हैं, ठीक। भव्या, आपने पढ़ रखा होगा ऑब्वियसली जूलॉजी में, तो आप पहले ही क्वेश्चन पूछ लेते हो सारा कोई, तो कुछ लोग आपको रिप्लाई भी करते हैं, आपने पढ़ रखा है मुझे मालूम है, तो थोड़ा आराम आराम से बाकी बच्चों को भी देखने दो, है ना। अब देखो ये टेंटिकल, ये टेंटिकल्स हमने क्या बोला, पहला तो इनमें सीलिया होता है, इन टेंटिकल्स में सीलिया होता है, तो ये मूवमेंट, बीटिंग मूवमेंट देते हैं इनको, मूवमेंट देते हैं। और इनमें क्या मैंने बताया, कॉम्ब रोज होते हैं, इन कॉम्ब रोज में भी ऐसे थोड़े थोड़े से स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कॉम्ब। यहाँ पे अगर हम पहली स्लाइड देखें तो ये क्या देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये क्या है, ये कॉम्ब है, ये कॉम्ब है जेलीज के,
और कितने कॉम्ब होते हैं? 8 कॉम्ब होते हैं, रो बनाते हैं, अलग अलग रोज बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं टीज। इसके अलावा ये जो टेंटिकल्स के पॉइंट होते हैं, तीनों ओफोर्स में निडेरियंस की तरह नहीं होते। निडेरियंस में क्या होता है? निडेरियंस में होते हैं निमेटोसाइट या नीडोसिस, ठीक है, नीडोसिस। तो वो वहां पे क्या करते हैं? वो वहां पे डसने का काम करते हैं, ऐसा जाते हैं और स्टिंग करके आ जाते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। तो ये ना यहाँ पे ये स्टिंगिंग सेल्स को नहीं कैरी करते हैं, टीनोफोर्स के टेंटिकल स्टिंगिंग सेल को नहीं कैरी करते हैं, इसीलिए फिर इनको अलग कर दिया गया। अब देखो ये क्या कैरी करते हैं, ये कुछ ऐसे ग्लैंड कैरी करते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं एडहेसिव ग्रेन्यूल्स। अब इन एडहेसिव ग्रेन्यूल्स का क्या काम होता है? ये सरफेस पे एडहेसिव ग्रेन्यूल्स जो है सीक्रेट करते हैं। अब इससे क्या होता है, जो भी बंदा मतलब जो भी छोटे मोटे प्रेज आएंगे आस पास, चाहे वो प्रोटोजोअन्स हो, प्रोटिस्ट हो, या फिर इनसे छोटे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, वो जैसे ही इनके कॉन्टेक्ट में आएंगे ये क्या करेंगे, उसको चिपका लेंगे। ग्लू है इनके पास, एडहेसिव ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। अब ये चिपका लेंगे, चट से चिपका लेंगे, और फिर क्या होगा, उसके बाद ये टेंटिकल्स वापस अंदर मूव हो जाते हैं। एक बार चिपकाते हैं फिर अंदर मूव हो जाते हैं, अंदर की तरफ घूम जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर वो टेंटिकल्स वो फूड किसको डिलीवर कर देते हैं, माउथ को डिलीवर कर देते हैं। अब इनका खाना क्या है, जनरली ये जू प्लैंकटॉन्स को खाते हैं, या फिर फिश या सेल फिश की लार्वा को खाते हैं, या स्नेल की लार्वा को खाते हैं। इनसे छोटा जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो इनको खाते हैं। और ये बीच में जो फेरेंजियल ट्यूब होता है, फेरेंजियल कैनाल होता है, फेरिंग्स होता है, उसके अंदर डाइजेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैनाल सिस्टम के थ्रू, एंड देन जो बेस मटेरियल होता है वो एनल पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये सही बोला, प्रे नहीं बंदा, क्या बोलू यार, वर्ड्स नहीं मिलते, मतलब अपनी लैंग्वेज वैसी ही है ना, मतलब यही सारी चीजें बोलने की। तो जो एग्जैक्ट वर्ड है, कोड को मतलब कोर वर्ड है, वो नहीं निकलते, वही निकलता है जो अपना लोकल है ना। तो समझ जाए करो, फीलिंग से बस यार। अब देखो ये एक बैरॉइड कॉम जली है जिसके पास टेंटिकल नहीं है, ये एंगल कर रहा है फूड को, और ये इसकी पैरेंजियल ट्यूब है जिसमें वो डाइजेस्ट करता है। तो पिक्चर खत्म, दोबारा चलाया जाए। कच्चा खा गया, अब कच्चा नहीं खाएगा तो पकाएगा क्या? कितने भोले भाले लोग हैं, मतलब बोल रहे कच्चा खा गया, भाई उसके पास किचन थोड़ी है तुम्हारी तरह कि वो पका के खाएगा। अब देखो यहां तक ही कहानी रेडियल सिमेट्री की। अब हमारा रेडियल सिमेट्री क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जो नई चीज इन्वॉल्व होने वाली है वो क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। लिंक भेज दूंगी, वीडियो भेज दूंगी, जो चाहिए वो भेज दूंगी। टॉपिक क्या है आज का, बड़े अच्छे लोग है यार।
पानी में आग लगा के पकाओ, ये वो वाली कहानी हो जाएगी क्या, टिप टिप को बरसा पानी पानी में आग लगाओ। भैया हाँ स्लाइड बहुत लाइट है पर जब मिलेगी तो समझ में आ जाएगी, यहाँ पे कुछ अलग से बहुत अलग से चीजें नहीं दी गई है। मैं बस ये बता रही हूँ कि अभी तक जो गेम था वो गेम था टीनो फोर्स तक का, जिनमें क्या थी, जिनमें थी रेडियल सिमेट्री और क्या थी डिप्लोब्लास्टिक बॉडी, क्या थी कि अभी तक का गेम जो था उसमें हमने देखा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया बोल लो, अब इसके बाद टीनोफोरा। ठीक, तो यहाँ तक जो चीजें थी यहाँ पे तो सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे इन दोनों में क्या हो रहा था, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, लेकिन टिश्यू में भी लेयर कितनी थी, दो लेयर थी, ओनली टू लेयर, और क्या थे ये लोग, एसिलोमेट थे। ओनली टू लेयर थी, एसिलोमेट की तो बात ही नहीं करेंगे, वो तीन लेयर आएंगी तब एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट ये सारी बातें होंगी। तो अब क्या है, अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बाइलेटरल सिमेट्री, तो हम बढ़ते हैं बाइलेटरल सिमेट्री की तरफ। तो बाइलेटरल सिमेट्री को जो है कंसीडर किया जाता है, प्रिंट आउट में लाइट नहीं होगा भैया, यहाँ पे ब्राइटनेस जो है कैमरा की थोड़ी वो मैच नहीं करती, अभी मैं ये डार्क लिखी हूँ ये भी अभी लाइट दिख रहा होगा अभी, है ना, तो थोड़ा चीजें जो है कर लो अपने हिसाब से। अब क्या है कि बाइलेटरल सिमेट्री इंट्रोड्यूस होने वाली है, तो बाइलेटरल के बारे में बोला गया कि जूलॉजिस्ट ने कैसे खोजा कि कौन सा बाइलेटरल एनिमल जो है आया होगा सबसे पहले, ये सारी चीजें क्या ऑर्डर रहा होगा आने का, तो वो सारी चीजें खोजी गई, वो सारी चीजें एविडेंस देखा गया, इसके बेसिस पे जीन्स के बेसिस पे डेवलपमेंट बॉडी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ये जितने एग्जिस्टिंग एनिमल्स हैं उनके जीन डेवलपमेंट एंड बॉडी स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड जीन के बेसिस पे देखा गया और पता किया गया कि बायलैटरल एनिमल्स जो हैं उनके आने का ऑर्डर क्या रहा होगा। ठीक, तो एक जो मोस्ट कॉमन चीज थी जितने बायलैटरल एनिमल्स थे, बायलैटरल सिमेट्री जितने भी एनिमल्स में थी वो कंट्रोल हो रही थी होमोलॉगस फॉक्स जीन से या होमियोडॉक्स जीन की से जो है कंट्रोल में हो रही थी, रेगुलेट हो रही थी। अब इनमें कॉमन क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, फिर इसके बाद मसल्स पाए जा रहे थे, फिर टिश्यूज और फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी थी, तो ये सारी चीजें देखी गई कॉमन फॉर्म। अब बाइलेटरल्स जो भी आए, बाइलेटरल सिमेट्री अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोइनोप्लैगेलेट से स्पॉन्जेस बने, स्पॉन्जेस से निडेरियन, निडेरियन से थोड़े और इवॉल्व हुए तो क्या बना, टीनोफोर, और टीनोफोर से फिर आ गया अब बाइलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री जो भी आता है वहां पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इंट्रोड्यूस होते हैं, सिफेलाइजेशन इंट्रोड्यूस होता है, क्या इंट्रोड्यूस होता है, सिफेलाइजेशन इंट्रोड्यूस होता है। ठीक, तो जो भी बायलेटरल सिमेट्री जिनमें है उनमें एक चीज देखी गई कि ये लीनियर दो तरह से डिवाइड हो रहे हैं, एक हो रहा है प्रोटोस्टोम, एक हो रहा है डिटोरोस्टोम, किसके बेसिस पे, ब्लास्टोफोर से माउथ या एनस बनने की बेसिस पे, अगर माउथ पहले बन रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं प्रोटोस्टोम, और एनस जो बन रहा है पहले अगर तो उसको बोलते हैं हम डिटोरोस्टोम। तो सबसे पहले जो है प्रोटोस्टोम आए, उसके बाद कौन आया, उसके बाद जितने और हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म आए उनमें क्या आया, ड्यूटोरोस्टोम आए। ठीक, ड्यूटोरोस्टोम आए। अब देखा जाए तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटोरोस्टोम इनमें एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, क्या, तीन लेयर होगी, सब में तीन लेयर होगी, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बाइलेटरल सिमेट्री होगी और उसके बाद सिफेलाइजेशन होगा। मैंने क्या बोला था कल की क्लास में कि जहां भी बाइलेटरल सिमेट्री इंट्रोड्यूस हुई है वहां सिफेलाइजेशन का स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो हमारा बाइलेटरल सिमेट्री जो भी है वहां से ये दो पार्ट में बढ़ता है, एक बनाता है ड्यूटेरोसोम, दूसरा बनता है प्रोटोस्टोम।
अब प्रोटोस्टोम जो है वो वापस से दो पार्ट में बंटता है, एक को बोलते हैं इक्डियोसोजोवन और दूसरे को बोलते हैं लोपोट्रोकोजोवन। क्या बोलते हैं? लोपोट्रोकोजोवन। याद रखना ये चीजें, ये टर्म्स आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब इक्डियोसोजोवन ये हो गए, ये सारे हो गए आपके लोपोट्रोकोजोवन, लोपोट्रोको। ठीक, इसमें क्या आता है? ब्रायोजोआ, ब्रैकीपोडा, टेरिब्रैंकिया, और फिर इसके बाद इसमें दो लीनियज और आती है, लोकोपोर और ट्रोकोपोर। ठीक, ट्रोकोपोर कैसे इंट्रोड्यूस होता है? इनमें ट्रोकोपोर लार्वा पाया जाता है, तो इसलिए इनको बोल देते हैं ट्रोकोपोर। अब ट्रोकोपोर में कौन से फाइलम आते हैं? एनिलिडा आता है और लस्का आता है। ठीक, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, जिनका बैकग्राउंड नहीं है, वो धीरे धीरे बस एक बात पे ध्यान दे देना कि जितने फाइलम्स हैं उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक याद करते रहना। इतना कुछ नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, दिमाग पे प्रेशर देना ही नहीं। ठीक, तो एक एक करके ये फाइलम आते जाएंगे, होता जाएगा।